बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार के पास अब विजन नहीं रहा बिहार की सरकार चलाने का, क्योंकि बिहार की जनता एक तरफ कई मुद्दों से सामना कर रही है और उन मुद्दों को नजरअंदाज करके नीतीश कुमार एनडीए के साथ हाथ मिलाए बैठे हैं, जो इस समय एनडीए यानी केंद्र सरकार में भी है और अब राज्य सरकार में भी है, लेकिन चुनौतियों का सामना वह नहीं कर रही। तेजस्वी का साफ कहना है कि अब इनकी सरकार को हटा के आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपके सारे सपनों को पूरा करेंगे जो कभी नीतीश आपको दिखाया करते थे। उन्होंने कहा कि 17 महीने के अंदर हमने 5 लाख रोजगार देके साबित कर दिया कि जो हमारा 10 लाख रोजगार देने का वादा था वो तो हम 5 साल के अंदर कब का पूरा कर देते। अब तेजस्वी यादव का अगर मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुँचना है तो क्या नीतीश को अपने साथ लाकर ही पहुँच पाएंगे या इसके कोई और भी रास्ते हैं? तो दरअसल इसके 3 रास्ते अभी फिलहाल बन रही हैं। पहला ये कि किसी तरीके से नीतीश के पाले से कुछ विधायकों को अपने समर्थन में ले आए, जिसकी कोशिश उन्होंने बिहार फ्लोर टेस्ट से पहले भी की थी लेकिन तब उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब तेजस्वी यात्रा में जिस तरीके से जन समर्थन जुट रहा है, अगर उसको दिखा दिया और अपनी पावर दिखा दी तो हो सकता है कि नीतीश का साथ छोड़कर कई सारे विधायक तेजस्वी लालू के साथ जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगे कि महागठबंधन के साथ जाना ही जीत को सुनिश्चित करना होगा। तेजस्वी का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनको जनता ने तीसरे नंबर पर रखा है चुनाव में, लेकिन अपने आप को नंबर 1 पर रखकर अपने आप को ही जनता के बीच शर्मसार महसूस करा रही हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो बड़ी शर्त है जिस पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं उसमें यह है कि या तो तेजस्वी इस लोकसभा चुनाव में ही कोई बड़ा खेल कर जाए। जैसा कि आप देखते हैं आरजेडी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन अगर इंडिया अलायंस के सहारे वह लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल कर देते हैं तो हो सकता है कि महागठबंधन के साथ जुड़ने के लिए कई सारे नेता पाला बदलना शुरू कर दे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। और तीसरी और सबसे मतलब कह सकते हैं बड़ी और इम्पोर्टेंट शर्त तो यही है कि किसी तरीके से अपने महागठबंधन को बरकरार रखते बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश एंड एनडीए कंपनी के खिलाफ पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े और जो नंबर 1 पर आंकड़ा 79 सीटों पर ही अटक गया था उसको बहुमत के आंकड़े तक छुआने की कोशिश करें, उसमें कामयाब हो गए तो बात बन सकती है। एक और कोशिश कर रहे थे जीतन राम मांझी को नीतीश से अलग करने की, लेकिन 128 करीब विधायकों का समर्थन प्राप्त थे एनडीए को। अगर 4 विधायक अलग भी हो जाते हैं, 4-5 अलग भी हो जाते हैं जो बहुमत का आंकड़ा 122 वो आसानी से रहेगा उनके पास, तो जीतन राम मांझी को अलग करना है तो साथ में उनके कई और विधायकों को अलग करना होगा, इस कोशिश में उनको कहीं ना कहीं जुटना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।